आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्ते मित्रों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऐसे ही सदैव अच्छे रहिए स्वस्थ रहिए व्यस्त रहिए मस्त रहिए प्रसन्न रहिए और सुनते रहिए अभिवाणी तो दोस्तों आज जो है आपने जैसे कि तमने में देखा होगा के बी ने स्पेशल वीक जो है कल से प्रारंभ हो गया है शुरू हो गया है स्टार्ट हो गया है तो इसमें क्या है डेली कुछ दिनों तक अमित जी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आ, तो उसके डिटेल्स मैं आपको दूंगा सबसे पहले आपने सोनी लेव सोनी लेव ऐप को डाउनलोड करना है या अपडेट करना है अगर अपडेट नहीं है तो प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लीजिए उसके बाद सोनी लेव ऐप को खोल लीजिएगा इस्टेप बाय स्टेप इस मैं आपको सब बताऊंगा कैसे आपको करना है रजिस्ट्रेशन और कैसे क्या प्रोसेस करनी है तो आपने ऐप को खोल लिया तो इसमें क्या है आपको कुछ दिन तक के वाले जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आपको सही उत्तर देना है और जो है चौबीस घंटे मिलेंगे आपको उसका उत्तर देने के लिए और जिसको के की हॉट सीट तक जाना है तो उनके नाम से ही यानी कि जिस बच्चे को जाना है चाहे वो लड़का हो या लड़की उनके नाम से ही आप प्रोफाइल बनाएंगे उनके नाम से ही आप रजिस्टर्ड करेंगे खेल भले कोई ले उत्तर कोई भी दे दे पर जो है जिसको हॉटसीट पर जाना है उसके नाम से ही रजिस्ट्रेशन करिएगा अगर आप माता पिता हैं तो आप अपने नाम से नहीं करिएगा क्योंकि तो आपके लिए जो है अलग शो है और शो में जो अलग सेक्शन है और जो चिल्ड्रन स्पेशल भी गई इसे बच्चों के लिए है तो केवल बच्चों के नाम से आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले हम जो है के चिल्ड्रन स्पेशल का आ, लोगो या बैनर ढूँढेंगे कहाँ पर है सिलेक्ट करके देखिएगा ये देखिए दिख रहा है के बी सी जूनियर रजिस्ट्रेशन तो इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद ऐसा होम पेज खोल जाएगा इसमें लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है हिंदी इंग्लिश कौन से चुनेंगे तो मैं जो है अभी इंग्लिश चुन लेता हूँ सिलेक्ट फिर इसमें टर्म कंडीशन आ जाएंगी इस पर आपको जो भी टर्म कंडीशन है और ये जो है तीन फॉर्मेट में है तीन स्टेप्स में है तो आपको सब पे जो है एग्री करना पड़ेगा उसके बाद ही जो है आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे आगे बढ़ पाएंगे ये सब आपको पढ़ लेना है इसमें अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन का है डिटेल टर्म कंडीशन मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि लाइंस जो ओपन हो गई हैं वो 10 अक्टूबर जैसे कल 10 अक्टूबर परसों आ, हाँ कल दस अक्टूबर था तो कल नौ बजे जो है कुछ का टाइम था और ग्यारह अक्टूबर को आ, बीस बज के उनसठ मिनट उनसठ सेकंड यानी कि नौ बजने में एक सेकंड कम पर तो दस से सोलह अक्टूबर तक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल सात ठीक है रात में नौ बजे का इसमें टाइम दिया हुआ है पर जो है नौ से दस के बीच में हमेशी पूछेंगे और उसका जो सही उत्तर है आपको अगले दिन रात में नौ बजे से पहले दे देना है तो ये हो गए दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह यानी कि दस से सोलह तारीख में सात दिन बनते हैं तो कल पहला प्रश्न था और ऐसे ही डेली एक एक क्वेश्चन आएगा और जो कल वाले का उत्तर था वो आज आपको रात में नौ बजे से पहले देना है ये रजिस्ट्रेशन जो है केवल सोनी लेव एप पर हो रहे हैं चाहे अच्छा है, अगर आप आईफोन चलाते हैं तो उसमें आईओएस पे जाके आप सोनी लेव एप डाउनलोड या अपडेट करेंगे और एंड्रॉयड चलाते हैं तो एंड्रॉयड में और पहले जैसे ये जो चिल्ड्रन स्पेशल आया था उसके लिए आपको जो है बाईजूस ऐप जो है स्टडी की लर्निंग ऐप उस पर जा रजिस्ट्रेशन करना था पर इसमें जो है आपको केवल सोने ले ऐप पर ही रजिस्ट्रेशन करना है कुछ बेसिक बेसिक बता दे रहा हूँ पूरा हम जो है पढ़ेंगे समझेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा मेन मेन जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ पेरेंट के पास जो है इनमें से आई uh, होनी चाहिए जिसमें लैंडलाइन फ़ोन या इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो पासपोर्ट हो वोटर आईडी कार्ड हो डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर लाइसेंस या राशन कार्ड हो और यू या आधार कार्ड हो तो ये आपके जो बच्चे हैं उनके माता पिता के पास होना चाहिए और इसमें कौन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन कौन कर सकते हैं दोस्तों ये काफ़ी बड़े साइज़ में थोड़ा मैं साइज़ इसका छोटा कर लेता हूँ हाँ तो दोस्तों ये साइज़ जो है मैंने इसका छोटा कर लिया अब स्क्रीन पे फिट हो रहा है मेन मेन जो इसकी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें जो बच्चे की आयु है वो आठ से पंद्रह वर्ष होना चाहिए यानी कि दस अक्टूबर यानी कि कल से जब से कोई आया था ये वाला क्वेश्चन आया था रजिस्ट्रेशन का तो दस अक्टूबर कल की तिथि जो थी कल की डेट में उसमें जो है आपके बच्चे की आयु आठ वर्ष हो जानी चाहिए अगर सात वर्ष कुछ महीने हैं तो एलिजिबल नहीं होगा आपका बच्चा यह आप पंद्रह वर्ष से ऊपर निकल चुका है कल की डेट में कल की तारीख़ में तो भी एलिजिबल नहीं होगा यानी कि दस अक्टूबर 2022 की डेट तक तारीख तक उसको आठ से पंद्रह के बीच में होना चाहिए इससे छोटा या इससे बड़ा जो है एलिजिबल नहीं होगा आपको जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे इसमें भी फर्स्ट एड फिंगर फर्स्ट होगा उसको तो पूरी टर्म कंडीशन पढ़ेंगे ना तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं मेन मेन देख रहा हूँ कि कौन सी मेन है आपको जो मैं जो है ईजी करके आपको बता दूँ मेन देखिए यही है जैसे कल से क्वेश्चन हुए स्टार्ट तो ये जो है सोलह तारीख को लास्ट क्वेश्चन इसका पूछा जाएगा जो कि नौ से दस के बीच में पूछेंगे और उसका उत्तर जो है सत्रह अक्टूबर को आपको अगले दिन में रात में नौ बजे से पहले देना है तो कुल जो है सात प्रश्न पूछे जाएंगे कल पहला पूछा जा चुका है और सोनी ले पर ही इसको आपको रजिस्टर करना है ये देखिए इसमें लिखा है चौथे पॉइंट पर कि बच्चे की जो एज है वो आठ वर्ष कंप्लीट हो जानी चाहिए एट ईयर्स कम्प्लीटेड ऑफ एज एंड आर बिलो द एज ऑफ सिक्सटीन इज एज ऑन अक्टूबर टेंथ 2022 यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि कल की डेट में तक अगर वो सात वर्ष कुछ महीने का था तो अगर कल वो आठ वर्ष का हो गया है तो एलिजिबल है और कल जो है आ, कल की डेट तक अगर वो पंद्रह वर्ष के अंदर है यानी कि चौदह वर्ष कुछ महीने या पूरे पंद्रह वर्ष का कल हुआ है तब भी एलिजिबल है कल की डेट की बात हो रही है तो आठ से पंद्रह वर्ष का बच्चा होना चाहिए और ये देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि के जूनियर स्पेशल वीक में जो ऑडिशंस चुने जाएंगे यानी कि ऑडिशंस ऑडिशनीज़ होंगे यानी कि जो बच्चे होते हैं ऑडिशनीज़ बोलेंगे तो ये जो है टोटल जो भी वैलिड एंट्रीज़ होंगी यानी कि आठ से पंद्रह साल के बच्चा होगा है ना और जो सही आंसर देगा उसमें से जो के का जो रेंडेमाइज सॉफ्टवेयर होता है वो शॉर्ट लिस्ट करेगा उसमें से ये देखेंगे कि आठ से पंद्रह साल के बीच के कौन से बच्चे हैं और जो है जो जिन्होंने सही उत्तर दिए हैं उसमें से कुल मिला के जो चौदह हज़ार बच्चों को चुनेंगे जो कि मैंने आपको बताया रेंडेमाइज सॉफ़्टवेयर जिससे कि बड़ों को भी चुनते हैं और जो क्विज़ होते हैं उसमें भी इनका रेंडमाइज़र सॉफ्टवेयर होता है जिससे सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे बच्चों को भी चुनेंगे कुल जो है चौदह हज़ार वैलिड एंट्रीज चुनी जाएंगी जो कि वैलिड होंगी वो चौदह हज़ार में से शॉर्ट लिस्ट करके ये सिलेक्ट करेंगे जिसमें से कुछ सौ बच्चे होंगे उसमें से फिर सेलेक्ट करेंगे यानी कि शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो वो जो है दस बच्चे बनेंगे यानी कि जो ट्रिपल एफ खेलेंगे उसमें से कुछ बच्चे जो है हॉट सीट पर जाएंगे जैसे बड़ों के शो में होता है ऑन ए डेली बेसिस द एलिजिबल इज विल बी शॉर्ट लिस्टेड बाई द रेंडमाइज़र ऑन अ डेली बेसिस फ्रॉम द वैलिड एंट्रीज़ रिसीव्ड फॉर ईच डे यानी कि रेंडमाइज़ ऑफ है ये डेली uh, जो है वैलिड एंट्री जो होंगी उनको सेलेक्ट करेंगे चौदह हजार जो कॉल होंगी उसमें और इसमें जो प्री डिफाइंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है जैसे बड़ों के लिए भी होता है कि इस राज्य से इतने होंगे और इस एज ग्रुप के इतने होंगे इस कास्ट के इतने होंगे इनका ये पूरा ही क्राइटेरिया बना हुआ है ये एज भी देखते हैं स्टेट भी देखते हैं फिर स्टेट में सिटी देखते हैं फिर जो है आपका आ, वो भी देखते हैं कास्ट आप किस कास्ट के हैं तो उसके हिसाब से इन्होंने एक अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है तो ऐसी बच्चों का भी है जो कि इसमें लिखा हुआ भी है डी पॉइंट पर जो कि सबसे ऊपर है प्री डिफाइंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया ऑन रीजनेबल एंड बेसिस विच इज़ एज फॉलोज और जिनको भी चौदह हज़ार बच्चों को ये लोग चुनेंगे करेक्ट एंट्रीज़ जो होंगी जो कि एफ़ पॉइंट में लिखी हुई है उसको उनको ये कॉल बैक करना शुरू कर देंगे स्टार्ट कर देंगे जो कि आई वी आर कॉल होगी जैसे बड़ों के पास आती है और वो जो है पंद्रह अक्टूबर जो कि अब आएगा उससे स्टार्ट हो जाएगी जो कि बाईस अक्टूबर तक चलेगी एक बार फिर से बता देता हूँ जो 14000 टोटल ये लोग बच्चे चुनेंगे करेक्ट एंट्रीज़ में से जिन्होंने 8 से 15 वर्ष के हैं और सही उत्तर दिए हैं उसमें से 14000 और उनको आई कॉल आनी प्रारंभ हो जाएगी स्टार्ट हो जाएगी अक्टूबर 15 से जो कि 22 अक्टूबर तक चलेगी और एक पॉइंट ये है इसमें जो कि चौथा पॉइंट है बैकअप कंटेस्टेंट जैसे कि बड़ों के शो में भी होता है कि जो ट्रिपल एफ के लिए दस होते हैं जो हमको शो पर दिखाई देते हैं टीवी पर तो उनका भी बैकअप होता है कि मान लीजिए इन्होंने दस सेलेक्ट कर लिए कि इनके साथ जो है ट्रिपल एफ खेलेंगे शो खेलेंगे और वो किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो उसके लिए जो बैकअप में होते हैं मान लीजिए किसी भी कारणवश कोई आ नहीं पाया पर्सनल रीज़न के कारण तो जो बैकअप में उनका कोई रहता है कंटेस्टेंट के उसकी जगह जो है वो उसको चुन लेते हैं तो ऐसे ही बच्चों के लिए भी होगा और ये अपने देखिए ग्यारहवें पॉइंट में खुद बता रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन में कि जो जो बनाए हैं ए एप गवर्निंग द के बी सी जूनियर स्पेशल वीक एज मे बी एमेंड अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इसमें ये कुछ भी बदलाव कर सकते हैं यानी कि कुछ नया जोड़ भी सकते हैं और कुछ जो जुड़ा हुआ है वो हटा भी सकते हैं और ये देखिए मित्रों इसमें लिखा हुआ है कि टेलीविजन सीरीज टाइटल कौन बनेगा करोड़पति सीजन चौदह जो है उसको जो प्रोड्यूस करता है यानी कि जो पैसा लगाता है जो ये लोग जीतते हैं तो उनको कौन देता है पैसा तो वो देता है प्रोड्यूसर चाहे मूवीज़ हो सीरियल हो ये या मतलब ये गेम क्विज हो तो इसमें जो है प्रोड्यूसर देता है तो इस शो का जो प्रोड्यूसर है कौन बनेगा करोड़पति का वो है कलवर मैक्स इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिसको सी एम ई पी एल के नाम से भी जाना जाता है तो ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए मैं जब गया था ग्राउंड ऑडिशन में तो उसमें जो बुकलेट भरी जाती है तो उसमें लिखा था तो ये चीज़ मैंने वहाँ पढ़ा था और इनका जो स्टूडियो है वो फिल्म सिटी में है जो कि गोरेगांव ईस्ट में है मुंबई में अब ये देखिए इसमें लिखा है मित्रों पॉइंट्स में प्रोसीडर टू पार्टिसिपेट इन द केबीसी जूनियर स्पेशल वीक तो इसमें ये है कि दस से सत्रह तक ये जो क्वेश्चन पूछेंगे सात क्वेश्चन जो है उसमें से जो सही उत्तर देंगे और जिनका स्कोर सबसे ज़्यादा होगा उसको जो है ये प्री डिफाइंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया में ले जाएंगे सेलेक्ट करके जो मैंने आपको बताया था चौदह हज़ार बच्चे हैं और उन चौदह हज़ार में से अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग चार सौ बच्चों को चुनेंगे ग्राउंड ऑडिशन के लिए और जो एक मोबाइल नंबर है और जो आपने दिया है मोबाइल नंबर वो उसको ही वैलिड माना जाएगा इसलिए जिस नंबर से आपको मतलब जिस बच्चे को जाना है और सीट पर उन्हीं के नाम से आप जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसी नंबर को अपने साथ भी आपको ले जाना पड़ेगा मुंबई तक और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट uh, है मित्रो कि इसमें लिखा है कि बच्चों के जो पेरेंट हैं उनको आई से आई जो कॉल होती है जिससे हम बड़ों को जो है आई के बी के समय इन्होंने बताया था तो उससे ही कॉल जाएगी और उसमें ही जो आपके बच्चे का ऑडिशन कहाँ पर होना है क्या समय है और कौन सा स्थान है वो बता दिया जाएगा और उसी समय पे जो है आपको वहाँ पर पहुँचना है उसी डेट पर उसी समय पर और उसी स्थान पर उसी वेन्यू पर अगर जो सिलेक्ट किए जाते हैं वो वहाँ पर नहीं पहुँचते हैं तो उनको जो है फिर आगे के लिए प्रोसेस नहीं किया जाएगा मा वो मान लीजिए लेट हो जाते हैं या कोई भी रीज़न देते हैं तो उसको ये जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे रिजेक्ट कर देंगे इसमें देखिए लिखा भी है परमिटेड टू कंटिन्यू विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड शेल नो लॉन्गर बी एंटाइटल टू बी अ पार्ट ऑफ द के बी सी जूनियर स्पेशल वीक इवेंट के यानी कि वो आगे जो है खेल नहीं पाएगा उसको जो है ये लोग टर्मिनेट कर देंगे डिसकॉलीफाई कर देंगे भले ही आपके बच्चे की गलती हो या आपकी गलती हो पेरेंट्स की गलती हो ये नहीं मानेंगे और इसमें जो है चार रिसेंट की जो है अभी हाल की आपके पास पासपोर्ट साइज़ की कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए जो बच्चा ऑडिशन के लिए जाएगा के के लिए उसकी और वैलिड आ, प्रूफ होना चाहिए जिसमें उस बच्चे का नाम हो जिस जो कि बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है यानी कि जन्म प्रमाण पत्र और उसके साथ में स्कूल की मार्कशीट जो होती है वो भी अगर बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार कार्ड भी लेके जाइएगा और अगर पहचान पत्र है तो उसको भी आप लेके जाइएगा मतलब आपके पास जितने भी बच्चे के आईडी के प्रूफ हैं मार्क्सशीट हैं सब ले जाइएगा मान लीजिए आपके पास हुई और उसकी जो है यूज़ नहीं पड़ा आपको आवश्यकता नहीं हुई तो लौट के तो आप घर पे ले आएंगे पर मान लीजिए आप बम्बई पहुंच गए और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप फिर अपने घर लेने आएँ फिर लेके जाएँ तो ये संभव नहीं होगा ना ना ही इतना समय होगा तो इसलिए सब लेके जाइएगा जो आवश्यक पड़े दे दीजिएगा नहीं हो तो लौटा के ले आइएगा बाकी जो है फोटोकॉपी करके भी लेके जाइएगा अपनी जो है आईडीज़ की और ये मार्कशीट की और जैसे चार फोटो इन्होंने कहा है तो आप जो है आठ से दस लेके जाइएगा मान लीजिए कोई गिर गई खो गई तो एक्स्ट्रा में भी होनी चाहिए तो ये हो गई और पेरेंट की आई की बात करें तो उनके पास भी पेरेंट हो चाहे गार्जियन हो लीगल गार्जियन तो उनके पास भी ये आई होनी चाहिए जिसमें लैंडलाइन फ़ोन या लैंडलाइन फ़ोन का या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया पासपोर्ट हो गया वोटर आईडी कार्ड हो गया ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड और यू यानी कि आधार कार्ड तो ये पेरेंट्स को भी अपना ले जाना है बच्चों को तो ले कर जाना ही है तो चौदह हज़ार बच्चों में से जैसे मैंने आपको बताया चार सौ चुनेंगे उन चार सौ बच्चों में से ढाई सौ आ, बच्चों का जो है ऑडिशन होगा जिसमें सबसे पहले जी के टेस्ट लेते हैं जैसे बड़ों का लेते हैं तो जी के टेस्ट होगा उन चार सौ बच्चों का और उसमें से जो टॉप ढाई सौ बच्चे होंगे टॉप ट्वेंटी टू फिफ्टी ऑडिशनीस यानी कि टू फिफ्टी चिल्ड्रंस जिनका जी के में सबसे अधिक पॉइंट होंगे अधिक नंबर होंगे उनको जो है वीडियो ऑडिशन के लिए सेलेक्ट किया जाएगा ये ऑनलाइन भी हो सकता है ऑफलाइन भी हो सकता है वो केबीसी वाले जो है आपको बता देंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करें वो नंबर आप वहाँ पर भी लेके जाइएगा तो वो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट में भी लिखा है रिटर्न टेस्ट फॉर द इंडिविजुअल से ऊपर वाले पॉइंट में कि जो पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं उनके पास वो नंबर होना चाहिए जिससे उन्होंने जो है रजिस्टर्ड किया है और उसको जो है ले कर वहाँ पर जाना पड़ेगा उसकी आवश्यकता पड़ सकती है वहाँ पर तो ले कर अवश्य जाइएगा और रिटर्न टेस्ट की बात करें तो इसमें जो रिटर्न टेस्ट के लिए कह रहे हैं कि जो जो आपको वेन्यू बताया जाएगा टाइम बताया जाएगा उसमें वहाँ पर आपको पाँच छः बजे तक पहुँच जाना है और हम लोग भी सुबह जो है पाँच बजे ही लाइन में लग गए थे और इसमें जो है आपकी एंट्री होने के बाद बच्चे की नौ बजे जो है जो वेन्यू होगा उसके डोर क्लोज़ कर देंगे उसके बाद जो अंदर एंट्री नहीं होगी और उसके बाद अगर आप किसी भी कारण से लेट होते हैं या कुछ भी रीज़न होता है लेट होने का तो उसको जो ये जो ये लोग रिजेक्ट कर देंगे डिसक्वालीफाई कर देंगे तो वहाँ पर फिक्स टाइम पर पहुँचना है उसके बाद जो है आ, बच्चे को जो आंसर शीट दी जाएगी उसमें चार ऑप्शन होंगे ऐसी ए बी सी डी वाले तो उसमें जो भी आंसर सही होगा उसको सिलेक्ट करना है वो वहाँ पर सब बच्चों को गाइड कर देंगे और वीडियो ऑडिडिशन के लिए जो चार बच्चे होंगे जिनका जी के टेस्ट होगा उसमें से जो हाईएस्ट स्कोर हाइएस्ट जिनको मार्क्स मिलेंगे उनमें से जो टॉप टू फिफ्टी होंगे यानी कि दो सौ पचास बच्चे होंगे उनका जो है वीडियो ऑडिशन होगा जिसको पर्सनल इंटरव्यू या पी भी बोलते हैं जैसे कि बड़ों का हुआ था और ये वही है चार आपकी रिसेंट की पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए और बच्चे की वही मार्कशीट और जो भी उनकी आईडी हो और इसके साथ ही ऑडिशन ही होगा जो यानी कि बच्चा होगा उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके आने हैं और जैसे कि मैंने आपको कहा था पहले कि सब ओरिजिनल लेके जाइएगा मान लीजिए आवश्यकता नहीं हो तो लौटा के घर पे आप ला सकते हैं पर आपको आवश्यकता वहाँ पड़ गई नीट पड़ गई तो आप जो है घर पर ले नहीं आ पाएंगे लेने के लिए घर पर और टू अटेस्टेड फोटो चाहिए इस डॉक्यूमेंट्स की यानी कि जो भी आपकी मार्कशीट हो गई या जो भी आईडी हो गई है ना उसकी टू अटेस्टेड फ़ोटो कापी होनी चाहिए प्रत्येक डॉक्यूमेंट की ईज डॉक्यूमेंट की यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट बच्चे ने लगाई तो उसकी दो कॉपी है ना या और किसी क्लास की है तो उसकी दो फोटो और या फिर मान लीजिए बच्चा ट्वेल्थ में है तो उसकी दो कॉपी मतलब दो दो फोटो सभी डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए जो कि अटेस्टेड होंगी और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश हिंदी में ही भरे जा सकते हैं और किसी लैंग्वेज में या भाषा में नहीं भरे जा सकते इतनी सारी टर्म कंडीशन है ना मित्रों अगर वीडियो बनाने बैठे पूरे पढ़ के और बता के समझा के तो मुझे लग रहा है कई घंटे का वीडियो बन सकता है इसलिए मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि वैसे ही लंबा हो जाएगा लोगों ने बहुत शॉर्ट शॉर्ट में मैंने देखा है यूट्यूब पर कि बहुत शॉर्ट में जो है आपको केवल आंसर दे दिया कि ये आंसर है सबमिट कर दो बस वेट करो कॉल का कि पंद्रह दिन में के की टीम कॉन्टेक्ट करेगी अरे वेट करो पूरी जानकारी तो दो केवल सही मैं जैसे कि मैं आपसे अधिकतर वीडियो में कहता हूँ केवल सही उत्तर देने से सही आंसर देने से मतलब नहीं है या जल्दी उत्तर देने से मतलब नहीं है कि आप अमित जी ने अभी क्वेश्चन पूछा नौ बजे और आपने जो तो है सवा नौ उत्तर दे दिया या दस बजे दे दिया तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे हॉट सीट पर जाने के या के से कॉल आने के या जो है आपने सही आंसर दिया तो उससे आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे है ना ऐसा नहीं होता है मित्रों तो एक टाइम दिया जाता है उस टाइम के भीतर आपको उत्तर देना है उसमें से जो इनका रेंडेमाइज सॉफ्टवेयर होता है वो सिलेक्ट करता है हो सकता है आपने बिल्कुल लास्ट में आंसर दिया हो लास्ट आप जो है पार्टिसिपेंट हो जिन्हें आंसर सबमिट किया है आंसर दिया है और फिर भी सॉफ्टवेयर जो है आपको चुन ले तो वो तो सॉफ्टवेयर है वो अपने हिसाब से चुनता है है ना क्योंकि जो है लाखों करोड़ों में होती हैं एंट्रीज़ तो अगर कोई पर्सन चुनेगा तो उसको तो कई दिन लग जाएंगे तो इसलिए जो सॉफ्टवेयर चुनता है हो सकता है वो फर्स्ट को चुन ले मिडिल में से चुन ले या बिल्कुल लास्ट को तो इसमें फर्स्ट लास्ट से मतलब नहीं है आपका उत्तर सही होना चाहिए और आपको जो है पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो मैं अपनी अधिकतर वीडियो में देता हूँ इसलिए मेरे वीडियो जो है लंबे भी होते हैं क्योंकि मैं उत्तर आप भी जानते हैं उत्तर आप कहीं और से देख के भी दे सकते हैं पर डिटेल टर्म कंडीशन आपको हर कोई नहीं बताता है वो शॉर्ट शॉर्ट में बताते हैं और उस कारण जो है बहुत लोग जो है डिसकॉलीफाई हो जाते हैं टर्मिनेट हो जाते हैं चाहे बड़े हों या बच्चे हों फिर वो बाद में दुखी होते हैं तो मैं नहीं चाहता आपको कोई भी समस्या है अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो मेरा दायित्व बनता है फ़र्ज़ है कि मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करूं और जो भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन है बेस्ट नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड करूं तो इसलिए मेरे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं तो थोड़ा उस चीज़ को समझने का प्रयत्न करिए कि वीडियो लंबे क्यों होते हैं मैं भी चाहूँ आंसर दूँ और बस हो गया वीडियो तो केवल सही आंसर देने से मतलब नहीं है मित्रों आपके पास जो है पूरी जानकारी होनी चाहिए राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए क्योंकि अपूर्ण ज्ञान जो होता है ना लेस इन्फॉर्मेशन या आधी अधूरी जानकारी जो है ना तो होती ही है ना बहुत हानिकारक होती है अपूर्ण ज्ञान जो होता है वो अच्छा नहीं होता ज्ञान हो तो पूर्ण हो वरना हो ही ना क्योंकि तो इतने इतने दूर से लोग जाते हैं ग्राउंड ऑडिशन के लिए वहाँ पर और किसी भी कारण से अगर डिस्कवालीफाई हो जाए टर्मिनेट हो जाए तो सोचे कितना बुरा लगेगा तो जो चैनल वाले हैं जिनके वीडियो देख के वो गए थे फिर वो थोड़े ना वहाँ पर हेल्प करने आ रहे हैं ना उनके कहने से कुछ होने वाला के का वीडियो बनाने से ये मतलब नहीं है ना कि उनका के वालों से कॉन्टैक्ट है वो उनसे बात करके आपकी सहायता कर देंगे वो तो बस ये है इधर उधर से नॉलेज ली और बस बना दिया वीडियो चाहे वो हों चाहे मैं हों पर मेरा ये रहता है कि आपको जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है के बी में ग्राउंड ऑडिशन का जाने का जो इसी सीजन का है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कोई भी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन न्यूज़ आती है उस पर रिसर्च करता हूँ वो आपको बताता हूँ वो मैं अपने किसी भी वीडियो में बता देता हूँ जिसमें भी मेरे पास आती है एक ही वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है ना क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है इन्फॉर्मेशन न्यूज़ अब देखिए कितनी सारी टर्म कंडीशन है अब इतनी कौन बताएगा कोई नहीं बताता है इसलिए शॉर्ट में उन्होंने बस बता दिया कि आंसर है सबमिट कर दो और ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स इसमें क्या लिखा है कि कंटेस्टेंट जो है यानी कि जो बच्चा उसको इनमें से कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जिसमें हार्ट एलमेंट हो गया ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई फाइनल स्टेज का प्रेगनेंसी हो गई बच्चों में तो खैर ये फाइनल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकता तो ये जो है जो भी बच्चा मेडिकल फिट नहीं होगा उसको ये लोग जो है सिलेक्ट नहीं करेंगे और यह मान लीजिए जैसे ये कह रहे हैं कि कोई बच्चा जो है वो जांच में जो है उसमें पाया गया कि उसमें कोई बीमारी है और उसको वहाँ शूट पे बुलाएंगे तो और बच्चों को जो है उससे प्रॉब्लम्स हो सकती है वो से सफ़र कर सकते हैं तो इसलिए जो है ऐसे बच्चे को वो नहीं चुनेंगे और जो है उस को कैंसिल कर देंगे देखिए चूज टू कैंसिल सच कंटेस्टेंट पार्टिसिपेशन चाहे वो किसी पेज पर हो और ये इसमें कोविड के बारे में भी लिखा हुआ है तो आपने जैसे कोविड की वैक्सीन लगवाई हो तो वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट मिलता है चाहे बच्चों का है चाहे बड़ों का तो वो वो अपने पास रखिएगा वो भी अवश्य लेके जाइएगा साथ में उसकी फ़ोटो कापी भी लेके जाइएगा कि मान लीजिए वो मांगने लगे तो एकदम कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि इनके जो वेन्यू होते हैं वो बहुत बहुत दूर होते हैं और वहाँ पर आस पास दुकान है फ़ोटो कापी की ये संभव नहीं होती हैं तो क्योंकि मैं अभी ग्राउंड ऑडिशन में गया था काफ़ी परेशान हुआ था खाने पीने की दुकान भी बहुत दूर थी या थी तो बहुत जो है कॉस्टली सामान था और रुकने का रहने का भी जो है काफ़ी कॉस्टली था पाँच हज़ार रुपये पर डे तीन हज़ार रुपये पर डे तो हर किसी के लिए संभव नहीं है ना जाते हैं बहुत लोग हैं पर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है हर चीज़ तो इसलिए जो भी मेरा आ, रहता है इन्फॉर्मेशन जो भी नॉलेज है मुझे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ और ये भी देखिए इसमें लिखा हुआ है इन्होंने कि आपकी ऐप में कोई भी समस्या हो या मतलब किसी भी कारण से जो आप मतलब आंसर सही सबमिट नहीं कर पाए ये कोई भी मतलब रीज़न रहा तो उसको भी ये लोग जो है नहीं मानेंगे तो आंसर जो है सही से सबमिट करिएगा बाकी और पढ़ लेता हूँ मैं मेन मेन क्या क्या है आपके पास तो सब स्क्रीन पर ही आ ही रही हैं आप जो है इसको पाउस करके रोक के पढ़ सकते हैं बाकी मैं पढूंगा तो वीडियो और बहुत लंबा हो जाएगा मैं जो है आपको मेन मेन बता रहा हूँ और जितनी मैंने बताई हैं मुझे नहीं लगता कि इतनी किसी और चैनल ने बताई होगी और अगर बताई हैं तो अच्छी बात है बताना चाहिए उनका फ़र्ज़ बनता है हजारों सब्सक्राइबर हैं व्यूबर्स हैं देख रहे हैं लाइक कर रहे हैं तो फ़र्ज बनता है ना अपने सब्सक्राइबर की हेल्प करना मैं सबकी करता हूँ भले ही मेरा कोई सब्सक्राइबर नहीं भी है व्यूअर नहीं भी है और फिर भी उसको कोई समस्या है तो मैं कहता हूँ कि के विषय से जुड़ी आपको कोई भी समस्या आ रही है मेरे से पूछो कमेंट करो मैं बताऊँगा मैसेज में संभव नहीं होगा फ़ोन पे बात करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दूँगा फिर बाद में आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिर भी नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं तो ये थी मित्रों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म कंडीशन और देख लेता हूँ और कुछ तो नहीं छूट गई ये जैसे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे ना जैसे तीन लेवल में हैं तो जिस जिस लेवल की है ना तो वो सब खोल के आ जाएगी तो मैंने तीनों को पढ़ पढ़ के जो आपको बता दिया है और बाकी आप भी जब रजिस्ट्रेशन करेंगे इसमें तो आपके पास भी शो कर जाएगी और डिटेल में जो है आप पढ़ लीजिएगा मेरा जितना बताना आवश्यक था मैंने उतना सब बता दिया मेन मेन सब बता दिए बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हंड्रेड परसेंट तो ना कोई मान सकता है और ना एग्री कर सकता है तो ये तीनों पे आपने टच कर लिया जैसे वाइट है तो जब आप टच करेंगे तो ब्लू हो जाएगा व्हाइट टिक आ जाएगा तो उसको टच करके आप जब सबमिट करेंगे तभी आगे प्रोसीड कर पाएंगे तो ये सब करके टच करके आप सबमिट कर दीजिएगा और ये होम पेज आ जाएगा खुल के यहाँ पर लिखा है क्लिक टू रजिस्टर तो इस पर आप क्लिक करेंगे फिर ये यहाँ पर नंबर आ जाएगा जैसे मेरा ये नंबर है आप जो बच्चे को जाना है सीट पर अगर उनका पर्सनल नंबर नहीं है या अगर आप चिल्ड्रन हैं आपके पास अपना फ़ोन नहीं है तो आप जो अपने माता पिता के भाई बहन के फ़ोन से खेल सकते हैं और उस नंबर से ही अपना आईडी बनाइएगा और उस नंबर को अपने साथ जो है ग्राउंड ऑडिशन के समय ले कर जाइएगा जहाँ भी आपको बुलाते हैं और वहाँ से और मुंबई जब आपका जाना हो तो उस नंबर को ले कर जाइएगा और माता पिता हैं तो वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें और बच्चे भी इस चीज़ का ध्यान रखें और जिस बच्चे को हॉट सीट पर जाना है उसी के नाम से प्रोफाइल बनाएँ अपनी डिटेल्स भरें और नंबर पर ध्यान रखें क्योंकि के वी सी के जो कॉल हैं वो तीन चार दिन बाद से आने प्रारंभ हो जाएंगे आई वी आर के क्योंकि चौदह हज़ार बच्चों को कॉल करना कोई संभव नहीं है तो इसलिए जल्दी जल्दी कॉल करेंगे तो कॉलिंग का ध्यान रखिएगा कि पता चला जल्दी मैं आपने सोचा कंपनी का नंबर है मिस कर दिया ऐसे बहुत बड़ों ने भी किया है तो ये चांस जो है आपको बार बार नहीं मिलता तो इसको हाथ से जाने नहीं दीजिएगा अपना नंबर जो भी है आप डाल के नेक्स्ट करेंगे फिर यहाँ पर चुन लेंगे अगर बच्चा पुरुष है मतलब बच्चा है तो वो मेल और बच्ची है तो फीमेल और अदर जो होते हैं वो ट्रांसजेंडर में आते हैं तो जैसे मान लीजिए मैं छोटा बच्चा हूँ तो मैं मेल चुनूँगा उसके बाद नेक्स्ट किया और ये आ गया विच एज ग्रुप डू यू बिलोंग टू आप किस आयु वर्ग से आयु वर्ग के हैं आप तो इनकम्प्लीटेड ईयर्स एज ऑन एलेवेंथ टू ये इन्होंने मित्रों गलत लिख दिया यहाँ टेंथ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू होना चाहिए गलती देखिए मैंने कहा है ना किसी से भी हो जाती है तो सोने वाले इतने बड़े इनसे भी हो गई तो इले एक सौ दस कर दिया है ये वन वन टेन वन वन ज़ीरो तो ये या तो ग्यारह होना चाहिए था या दस पर ये जो है राइट में ये दस है दस अक्टूबर जो कि मैंने आपको बताया कल था तो दस अक्टूबर को आपके बच्चे की आयु आठ से पंद्रह वर्ष के भीतर होनी चाहिए अगर वो सात वर्ष कुछ महीने का है या पंद्रह वर्ष कुछ महीने का यानी कि सेवन ईयर्स सम मंथ्स और फिफ्टीन ईयर्स सम मंथ तो वो जो है चुना नहीं जाएगा वो सिलेक्ट ही नहीं होगा डिसक्वालीफाई या टर्मिनेट हो जाएगा अगर आपने आंसर सबमिट कर भी दिया तब भी क्योंकि वो पूरी डिटेल्स चेक करके ही आपके पास कॉल करेंगे ऐसे ही नहीं तो इसमें आपके बच्चे के जो भी आयु हो आठ से ग्यारह वर्ष है तो ऊपर वाले को सिलेक्ट करिएगा और बारह से पंद्रह है तो नीचे वाले को तो जैसे मान लीजिए मेरी बारह से पंद्रह के बीच में है तो नीचे वाले सेलेक्ट करके मैंने फिर नेक्स्ट किया अब ये क्वेश्चन आ ये आ गया खुल के क्वेश्चन नहीं है ये है टेल अस अबाउट वेयर यू लिव जैसे आपने अपने लिए सोनी लेव एप पर प्रोफाइल बनाई थी सेम ऐसी बच्चे की भी प्रोफाइल बनाएगी आ, बनेगी इसमें स्टेट्स के नाम है कि आप जो है मुंबई डेली से हैं गुजरात दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव से हैं या महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़ के गोवा पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हिमाचल प्रदेश राजस्थान जम्मू कश्मीर या लद्दाख से हैं अगला है मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ से हैं उसके बाद है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिहार झारखंड से हैं या वेस्ट बंगाल उड़ीसा असम सिक्किम नॉर्थ ईस्ट इस्टेट से हैं या इनके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि जो नाम इनमें नहीं है इसके अलावा और कहीं से हैं तो उसको सेलेक्ट करेंगे तो कई स्टेट्स के नाम इन्होंने एक साथ में दिए हैं तो इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा कि आप किस स्टेट से आते हैं जिसमें आते हों उसी को सिलेक्ट करिएगा जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बिहार झारखंड वाले को सिलेक्ट करूँगा ये पीले रंग का हो जाएगा येलो कलर का उसके बाद मैं इसको सबमिट कर दूँगा उसके बाद ये आ गया क्वेश्चन खुल के जिसका उत्तर जो है मैंने देखा बड़े बड़े चैनडल वालों ने दे दिया और जबकि ये तो क्वेश्चन तो बहुत सरल होता आपको है आपको सोचिए इतने सरल आंसर दे के कोई संभव है कि किसी को पता ना हो तो आप क्वेश्चन तो सरल ही होते हैं बाकी आपके पास ये टर्म कंडीशन रूल रेगुलेशन ये डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होना आवश्यक है यही आपके काम आएंगे अब ये इतना सरल क्वेश्चन है दो तो बच्चे को भी पता होगा तो उन्होंने क्या मैंने देखा बड़े बड़े चैनल वालों ने केवल सही उत्तर दे दिए बस बात ख़त्म तो ऐसे केवल सही उत्तर देने से जल्दी उत्तर देने से मतलब नहीं होता है कि शो आया उसे बीच में उत्तर दे दिया या उसके बाद में दे दिया है ना या सुबह दे दिया जल्दी से सही से मतलब नहीं है बातें उत्तर सही होना चाहिए और आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए वरना जीतने के बाद भी आप हार सकते हैं हमारे चैनल के अपोलो क्विज़ के कुछ में ऐसा हुआ है कि एक लाख वो जीत गए फिर भी उनको नहीं मिला कुछ ना कुछ कमी रह गई तो फिर क्या करेंगे तो ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ दीस सुपर सुपर हीरोज इज़ ग्रीन इन कलर ए एक्वामैन बी वंडर वुमैन सी इनक्रेडिबल हल्क और डी ब्लैक विडो तो हॉलीवुड के फेमस जो हैं कैरेक्टर्स हैं और बच्चों के भी हैं बड़ों के भी हैं मेरे भी हैं ये जो है जहाँ तक मैंने इसमें दो या तीन मूवीज़ देखी हैं और प्रश्न है इसमें से कौन सा जो है सुपर हीरो है वो रंग में हारा है एक्वा वूमेन एक्वा मैन जो है वो नीले रंग का है बहुत अच्छी मूवी थी मैंने हॉल में देखी थी वंडर वूमैन भी अच्छी है आ, ये वंडर वूमैन नॉर्मल सुपर वूमैन थी ये और इनक्रेडिबल हल्क है जो हरे रंग का है बड़ा हट्टे कट्टे हैं खूब लंबे चौड़े तो वो है हल्क और ब्लैक विडो अभी नहीं आई थी जो कि एक आ, सुपर वूमेन है ब्लैक नाम है पर ब्लैक विडो नहीं है ये जो है ड्रेस पहनी थी ऐसी सुपरमैन जैसी तो ये सब हो गए तो इसमें जो ग्रीन इन कलर है वो है इनक्रेडिबल हल्क जो कि ऑप्शन सी हरे रंग का जो आ, सुपर हीरो है वो हल्क है बहुत लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं रहते नॉर्मल हैं डॉक्टर हैं पर जब उनको गुस्सा आता है तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं हरे रंग के बहुत विशाल जैसे समझ लीजिए बड़ा कोई सोमो पहलवानों या आ, खली टाइप में ना ऐसा तो इस पर आप इनक्रेडिबल हल्क जो है राइट ऑप्शन है इस पर के सबमिट कर देंगे आपका आंसर जो है लॉक हो जाएगा अब मान लीजिए जैसे मेरे को केवल आपको आंसर ही बताना होता तो मैं शुरू में ही आपको बता देता एक दो मिनट में वीडियो खत्म हो जाती तो इतनी जानकारी आपको कैसे मिलती तो पूरा आपको बताना आवश्यक है ना क्योंकि हर कोई जो है आपको इंग्लिश आती है पढ़ के समझ लेंगे अब जिनको नहीं आती उनके बच्चे में टैलेंट है वो आठ तक जा सकता है धनराशी जी सकता है पर उनको इंग्लिश नहीं आती तो उनको बताना तो मेरा फर्ज कर्तव्य है ना कि मैं उस चीज़ को सरल करके बताऊँ क्योंकि हर किसी के देखिए पास में फ़ोन है है ना हर कोई पढ़ के सब कुछ कर सकता है समझ सकता है सीख सकता है तो लोग यूट्यूब पे फिर वीडियो क्यों देखेंगे या यूट्यूब पे वीडियो फिर बनाएंगे तो उनको देखेगा कौन तो यूट्यूब पे वीडियो बनाने मतलब ये है कि जो चीज़ है उसको सरल तरीके से बताओ जिससे अधिक से अधिक लोगों तक जाए और उनको समझ में आए आपकी सहायता करना आपको सुविधा देना तो उसको सरल करके बताने का ही मतलब है वरना ये सब तो आप पढ़ के खुद ही कर सकते हैं है ना पर हर कोई जैसे एक लिस्ट नहीं समझ सकता तो उसी को सरल शब्दों में बताना केवल आंसर दे दिया बात खत्म ऐसा नहीं है उनको भी पता होना चाहिए कि क्या सही होता दे के भी हम डिसक्वालीफाई हो सकते हैं और क्या ना करके जो है हम सिलेक्ट हो सकते हैं ए टू जेड फुल इन्फॉर्मेशन तो इस पर किच करके और सबमिट कर देंगे आपका आंसर जो है लॉक हो जाएगा और ये लिखा आ गया तो थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग इफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड द के बी सी टीम विल कॉन्टेक्ट यू इन फिफ्टीन डेज अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं अगले राउंड के लिए तो के बी सी की टीम जो है आपसे पंद्रह दिनों के भीतर संपर्क करेगी और जो ये रजिस्ट्रेशन है जैसे कि मैंने आपको बताया था दस से सत्रह तक चलेंगे कल पहला प्रश्न आया था आज दूसरा आएगा पहले प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया है दूसरे का भी आज रात में आपको मिल जाएगा और इसका उत्तर जो है आज रात में आपको नौ बजे से पहले देना है जो आ जाएगा उसका कल नौ बजे से पहले तो वो दे दीजिएगा और बाकी जो मैंने बातें बताई आपको उनका ध्यान रखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं कृपया करके अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा शीघ्र मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है और जैसे मंदिर जाते हैं घंटी बजाते हैं ये भी ज्ञान का मंदिर है तो आएँ तो घंटी पर जाके जाइएगा और थोड़ा जोर से दबाइएगा जिससे घंटी के पास में आपको एक ऑप्शन देखेगा ऑल वाला उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले के वी सी से जुड़े सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और कृपया करके अपनों अपनों का ध्यान रखिएगा शीघ्र मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ नमस्ते मित्रों आपका दिन और जीवन शुभ हो और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको और आपके बच्चों को के बी सी के लिए नमस्ते